वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? क्या है? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना? अच्छा, आपका लास्ट लेक्चर है एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर, ठीक है? ये जो कीमोथेरेपी में ड्रग्स देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं ज्यादातर ड्रग्स, और की रेडियोथेरेपी में रेडिएशन देते हैं, कि हाई एनर्जी बीम्स होती है रेडिएशन में, और कीमोथेरेपी में ड्रग्स दे देते हैं, और इसके अलावा सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो कीमोथेरेपी दे देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं। इसमें हम जो है कीमोथेरेपी की ड्रग्स पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी के क्या उन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। आपको पता है जनरली कीमोथेरेपी एलोपेशिया कर देती है, बाल सारे ख़त्म कर देती है, नॉर्मल सेल को अफेक्ट करती है, प्रोटीन सेंथेसिस को अफेक्ट करती है, उसके अलावा जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें से एक साइड इफेक्ट ये कि पेशेंट जो है वो उसकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये सारी कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स हैं। और आज आपका ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद वेडनेसडे को एक क्विक रिव्यू करेंगे। आप लोग की डेट शीट 16, 17, 18 डेट्स दी हैं, जबकि 18 को छुट्टी है, तो अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर पब्लिक हॉलीडे होगी 9th और 10th, आज आपने 9th और 10th मुहर्रम की, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है चेंज हो जाएगी डेट शीट। यानी अगर 18 को जिनके हैं उनकी इन्होंने पूरे बना के दिए डेट शीट, किस किस का 18 को होगा, जिनका 18 को होगा वाइवा उनका फिर आगे चला जाएगा 20 को, ठीक है? जब छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद शायद वाइवा होगा, ये अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करेंगे। वो मैं आपको आज मेल करके शेयर कर लूंगी। ये सारे कॉन्टेंट्स हैं इसकी के एंटी कैंसर ड्रग्स, उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, उसके अलावा क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उन ड्रग्स का साइड इफेक्ट। आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से आना चाहिए कि एक ड्रग है तो क्या अफेक्ट करेगी। यूजुअली जितनी भी ड्रग्स हैं वो डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है। असल में कैंसर में होता ये कि डीएनए के अंदर आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, प्यूरीन पायरिमिडीन, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं डीएनए के अंदर चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ और सेल की प्रोलीफरेशन होना शुरू हो जाती है, सेल की कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो इनको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना देगी, और जहां पर सेल की डिवीजन होनी होती है उसको रोकती है। सेल की नॉर्मल डिवीजन भी होती है, लेकिन जो कैंसर के अंदर एबनॉर्मल डिवीजन, एबनॉर्मल कॉपीज बनना शुरू हो जाती है सेल की, और वो ये कि डीएनए के अंदर उसके चेंजेस आ जाती हैं। लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट्स और एपोप्टोसिस इन कैंसर सेल्स दैट कैन अरेस्ट अ ट्यूमर प्रोग्रेशन। कैंसर के लिए सिर्फ एक कीमोथेरेपी है जो कि ट्यूमर की प्रोग्रेशन, ट्यूमर को रोकती है, और ये लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट्स होते हैं, यानी कि ये साइटोटॉक्सिक थेरेपी भी से कहेंगे कीमोथेरेपी को, रेडियोथेरेपी को, क्योंकि जो एजेंट्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं या जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो सारे सेल्स को किल कर रहा है, नॉर्मल को भी कर रहा है और ट्यूमर सेल्स को भी कर रहा है। द अटैक इज जनरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स डीएनए और अगेंस्ट मेटाबॉलिक साइट्स एसेंशियल टू सेल रेप्लिकेशन। ये सेल की जितनी भी ड्रग्स पड़ेंगे वो सेल रेप्लिकेशन को रोकेंगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। आइडियली दीज एंटी कैंसर ड्रग्स शुड बी इंटरफेयर। अच्छा, इनको सेलुलर प्रोसेस के साथ इंटरफेयर होना चाहिए, जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं उनको किल करना चाहिए, लेकिन ये एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों सेल्स को अफेक्ट करती है कीमोथेरेपी।
गोल ऑफ ट्रीटमेंट जो इस थेरेपी को देने का मकसद क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ कीमोथेरेपी इज टू क्योर, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बेहतर हो और पेशेंट जो है वो ज्यादा अरसे सर्वाइव कर सके. अ ट्रू क्योर रिक्वायर्स द इरेडिकेशन ऑफ एवरी न्यूरोप्लास्टिक सेल. दिस अलाउज द इंडिविजुअल टू मेंटेन अ नॉर्मल एग्जिस्टेंस विद द कैंसर सेल, दस बीइंग ट्रीटेड एज अ क्रॉनिक डिजीजेस. इन ईदर केसेस द न्यूरोप्लास्टिक सेल बर्डन इज इनिशियली reduced either by surgery, radiations, followed by chemotherapy, immunotherapy or a combination of these. Immunotherapy ये कि आपका immune system, अब कोशिश ये की जा रही है कि जो immune system था जिसमें WBC cells थे और जब भी कोई चीज़ आती थी infection cause करती थी तो WBC first line of defense को कोशिश करते हैं कि जो foreign चीज़ आ गई है virus उसको kill करें. तो इम्यूनोथेरेपी में ऐसी कोशिश की गई है कि आपकी इम्यूनिटी जो है इम्यून सिस्टम के इन सेल्स को इतना अच्छा कर दिया जाए कि उनमें ऐसी कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाए कि वो कैंसर को भी किल कर दें. कैंसर की बहुत सारे कॉजेज हैं जिनमें से एक कॉज ये भी है कि वायरल कैंसर भी होते हैं. जैसे आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बहुत कॉमन वायरस है, ठीक है. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये वजाइनल कैंसर बहुत करता है फीमेल्स के अंदर. तो कोशिश ये की जाती है कि इम्यूनोथेरेपी ऐसी थेरेपी जिस जो आपके बूस्ट अप कर दे इम्यून सिस्टम को ताकि वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट लड़े. लेकिन अभी इस पर काम हो रहा है और इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो 15-20% है इम्यूनोथेरेपी का. आप कुछ जगह ये होता है कि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, कुछ टाइम कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कीमोथेरेपी ही दी जाती है, सर्जरी कर नहीं सकते. यानी वो इतनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका होता है और आपको पता है कि ट्यूमर जो सेल होता है उसकी स्टेजिंग की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है कि ये स्टेज वन है, स्टेज टू है, स्टेज थ्री है, कौन सा कैंसर है, ठीक है. स्टेज फोर कैंसर लास्ट कैंसर होता है. फिर आपको पता है एक पूरा सिस्टम है जिसमें ट्यूमर के साइज ट्यूमर की देखे जाते हैं कि नोड्स के अंदर है, उसकी मेटास्टेसिस कितनी है, वो सारा एक स्टेजिंग और ग्रेडिंग है. उस स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बाद जब वो पैथोलॉजिस्ट को दी जाती है उसकी स्लाइड बनती है और उसके बाद फिर वो उसकी ग्रेडिंग करके फिर आपको पता चलता है कि जी ये फलां स्टेज का कैंसर है. और फिर जो है ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि अब कीमोथेरेपी होगी, इसमें रेडियोथेरेपी होगी, क्या चीज़ होगी, ठीक है. Treatment strategies, indications for the treatment. Chemotherapy is indicated when neoplasms are disseminated and not amenable to surgery. कि अगर surgery से वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसका chemotherapy होती है. और अगर surgery के बाद chemotherapy की जाए तो वो इसलिए की जाती है कि ये दोबारा regrow ना कर जाए. Cell cycle specificity of drug, both normal cells and tumor cells go through growth cycles. ठीक है. ट्यूमर ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट ऑफ मोस्ट सॉलिड ट्यूमर्स इन वीवो इज इनिशियली रैपिड. इनिशियली ट्यूमर रैपिड होगा और उसके बाद ऐसा ऐसा उसका साइज जो है ग्रोथ रेट यूजुअली डिक्रीज एज द ट्यूमर साइज इंक्रीजेस. ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है कि ड्रग्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, विद एन एफर्ट बीइंग मेड टू टेलर द मेडिकेशन टू ईच पेशेंट. टेलर का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द जीन्स देखकर, पेशेंट की कंडीशन देखकर, उसकी एज वगैरह सारी चीजें देखकर एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है. तो लॉग की डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स बाय कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स follows first order kinetics, that is a given dose of drug destroy a constant fraction of cells. कीमोथेरेपी के साइकिल्स होते हैं, एक साइकिल के अंदर सारे ट्यूमर सेल्स को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर देगी, कई साइकिल्स होते हैं. यूजुअली जो है ना कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे स्टेज थ्री फोर के पेशेंट्स होते हैं, तो एक तो पेशेंट की हेल्थ और उसके ऊपर डिपेंड करता है और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट की एक्सपीरियंस और उन चीज़ों पर डिपेंड करता है. लेकिन देखा जाता है कि जब ट्यूमर की हो जाता है उसके बाद कुछ कीमोथेरेपीज पहले दे दी जाती हैं अप टू 6, क्योंकि बॉडी इतनी कीमोथेरेपीज टॉलरेट भी नहीं कर सकती, ठीक है. और उसके बाद फिर उसकी सर्जरी करते हैं और कुछ कीमोथेरेपीज बाद में बचा के रखते हैं कि ये पेशेंट को बाद में दी जाएगी. ज़्यादातर 6-7 थेरेपीज दी जाती हैं
फिर उसके बाद पेशेंट को रोक दिया जाता है कि कीमोथेरेपी नहीं, अब इसकी सर्जरी ही ऑप्शन है, उसके बाद इसकी कीमोथेरेपी होगी ताकि रीग्रो ना कर सके ट्यूबर। फार्माकोलॉजिकल सेनेक्चुरीज ल्यूकेमिक और अदर ट्यूमर सेल्स फाइंड सेनेक्चुरी इन टिश्यूज वेयर ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रेंट प्रिवेंट सर्टेन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट फ्रॉम एंट्रिंग। बास साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग पूरी नहीं जा सकती, ठीक है, जैसे ब्रेन हो गया, जैसे आपके ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कीमोथेरेपी की ड्रग्स नहीं जाती। इसी तरह टेस्टिस होता है मेल्स के अंदर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम यूज करेंगे, एक ड्रग ज्यादा सक्सेसफुल है कि अगर कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज की जाए इंस्टेड ऑफ अ सिंगल ड्रग। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स साइटोटॉक्सिक एजेंट्स with qualitatively different toxicity and with different molecular sites and mechanism of action. हर ड्रग का अपना mechanism of action होगा, हर ड्रग जो उसका different adverse effect होगा, different उसके useful effects होंगे, combination में दी जाएगी। इससे advantage क्या होगा, maximum जो cells होंगी उनकी killing होगी और tolerate कर सकेगा जो patient है वो tolerate करेगा toxicity को। effective against a broad range of cell lines in the heterogeneous tumor population. जो tumor एक lump बना हुआ है उसके अंदर बहुत सारे cells होंगे, जो variety of cells होंगे, तो हर cell जो है वो मुख्तलिफ drug के against resistance भी show कर सकता है, इसलिए combination of drugs दे रहे हैं ताकि minimum resistance show करें। May delay or prevent the development of resistant cell lines, यानी जो cells जो resistance हो गए हैं combination therapy देंगे ताकि वो resist ना कर सकें। किसी का कोई question है अभी तक? resistant cell lines ये होंगे कि cells जो है हम उनको chemotherapy दे रहे हैं, combination therapy दे रहे हैं, लेकिन बाजुकात सेल्स जो होते हैं वो फिर भी ट्यूमर के रीग्रो करे जा रहे हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, सम न्यूरोप्लास्टिक सेल्स फॉर एग्जांपल मेलिनोमा आर इनहेरिटेड रेजिस्टेंस टू मेनी मोस्ट एंटी कैंसर ड्रग्स। मेलिनोमा होता है स्किन का कैंसर। अब इसमें ये बताया कि मेलिनोमा सेल्स जो होंगे वो रेजिस्ट कर जाएंगे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखी गई है कि जब हम कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस स्टेप वाइज सिलेक्शन ऑफ एन एम्पलीफाइड जीन दैट कोड्स फॉर अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पी ग्लाइकोप्रोटीन फॉर परमेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। हमने एक पढ़ा था पी ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के अंदर भी है और जो ड्रग को लेकर जाती थी उसको एक्सक्रीट आउट करवाती थी, तो बाज़ औक़ात ऐसी ड्रग्स होंगी जिनकी ज्यादा एफिनिटी होगी पी ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, उस ड्रग की इफ्लक्स कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा बॉडी से और उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कम्प्लीट नहीं होने देगा ड्रग का, तो ड्रग जो है कम इफेक्टिव होगी। Problems associated with chemotherapy, the resistance is due to adenosine triphosphate depend, ये वही बात गई है कि वो pumping out कर देगा glycoproteins जो है therapy को effective होने से पहले drug को pump out कर देगा। Toxicity, therapy aimed at killing rapid dividing cancer cells also affect normal cells, वो जो है आपके buccal mucosa को भी affect करती है और bone marrow यानी जहाँ पर cell production हो रही है उसको भी affect कर रही है। कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जितना ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा वाइड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी कि आपकी टॉक्सिसिटी कम होगी, उतनी ज्यादा सेफ ड्रग होती है अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा हो। सिवियर वॉमिटिंग होती है, ये बहुत एंटी इमेटिक ड्रग्स भी दी जाती है उनको, वॉमिटिंग बहुत बड़ा कॉज है। स्टोमेटाइटस, माउथ अल्सर्स बन जाते हैं, बोन मैरो सप्रेशन, सेल्स की जितने सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका ल्यूकोपीनिया वगैरह हो जाता है, इसलिए जब कीमोथेरेपी की जाती है तो उस पेशेंट को 24 आवर्स के लिए कहा जाता है कि इसको किसी इसके अलग बर्तन रखे जाएं, इसको जो है ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसिस पर ना लिया जाए जहाँ पर रश हो, क्योंकि जो कीमोथेरेपी का पेशेंट होता है अगर किसी का उनके तो सेल्स वैसे ही कम हो रहे हैं कीमोथेरेपी की वजह से वाइट ब्लड सेल्स, तो क्या होगा कि उनमें कुव्वत-ए-मुदाफियत इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं वो।
ठीक है, अगर किसी का कोई फ्लू है, कोई कफिंग है, किसी को कफ वगैरह खांसी वगैरह, तो फौरन उनको अफेक्ट करेगी। उनके इसलिए बर्तन अलग रखे जाते हैं थोड़े से के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एलोपेशिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी विद डॉक्सोरूबेसिन एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस विद ब्लियोमाइसिन, ये ड्रग्स हैं जो आगे पढ़ेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स। एलोपेशिया इज ट्रांजिएंट बट द कार्डिक पल्मोनरी एंड ब्लेडर टॉक्सिसिटी आर इरिवर्सिबल। ये जो एलोपेशिया हो जाता है, ये बाल उतर जाते हैं, आईब्रोज वगैरह खत्म हो जाती है, कुछ अरसे बाद रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये सारी ड्रग्स जिनको एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स कहेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू नॉर्मल कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट विद इन द सेल्स, प्यूरीन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स, ईदर बाय इनहिबिटिंग देयर सिंथेसिस। ये प्यूरीन पायरिमिडीन एनालॉग्स हैं, ठीक है, बाय कम्पीटिंग विद देम इन डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। ये उन्हीं की तरह न्यूक्लियोटाइड, प्यूरीन और पायरिमिडीन स्ट्रक्चरली उन्हीं की तरह एनालॉग्स हैं दिखने में, और ये जाकर बाइंड कर जाते हैं ताकि डीएनए सेंथेसिस ना हो। जहां पर डीएनए सेंथेसिस के लिए एंजाइम्स ने बाइंड करना था, वहां जाकर ये बाइंड कर देते हैं ताकि डीएनए सेंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। देयर मैक्सिमम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स आर इन एस स्पेस। आपको पता है G1, G2, एस नॉट, वो जी नॉट, एस स्पेस, ये डिफरेंट फेजेस हैं। तो एस स्पेस क्या था, जहां पर डीएनए सेंथेसिस हो रही होती है और सेल जो होता है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो या वहां पर इसका ज्यादा इफेक्ट होगा कि सेल डिवाइड ना हो सके। इसमें एग्जाम्पल है मैथोट्रेक्सेट, एक ड्रग है। मैथोट्रेक्सेट जो है विटामिन फॉलिक एसिड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड इज एसेंशियल फॉर सेल रेप्लिकेशन। आपको पता है कि फॉलिक एसिड जिसके टेबलेट्स भी मिलते हैं, फॉलेट जो हमारी डाइट में होता है, ज्यादातर सीरियल्स वगैरह के अंदर फॉलेट होता है। हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमने पढ़े थे कि इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक सबस्ट्रेट होता है पैबा, ठीक है, अगर किसी को याद हो, पायरोबेंजोइक एसिड। ये पैबा हेल्प आउट करता है फॉलिक एसिड बनाने के अंदर। हमारे जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली वो हमारे लिए फॉलिक एसिड बना रहे होते हैं, और फॉलेट वो सोर्स होता है जो हम फूड से ले रहे होते हैं, वो फॉलिक एसिड बना रहे होते हैं। फॉलिक एसिड जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है सेल्स की, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉलिक एसिड। अब हम चाह रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स में डिवीजन ना हो सेल्स की, ग्रोथ ना हो, रेप्लीकेट ना करें, ठीक है, तो उसके लिए मेथोट्रेक्सेट ड्रग हम देंगे जो कि क्या करेगी कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। फॉलेट मेथोट्रेक्सेट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फॉलिक एसिड एंड एक्ट्स ऑन एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ द विटामिन बाय इनहिबिटिंग डायहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज। ये एंजाइम है, इसको इनहिबिट करेगी, दैट कन्वर्ट्स फॉलिक एसिड टू इट्स एक्टिव कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। बेसिकली आपको अगर वाइवा में कहीं पूछा जाए या आपको कोई एमसीक्यू है, तो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, वो टेट्राफॉलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनने दे रहा बाय इनहिबिटिंग डायहाइड्रो रिडक्टेज, फॉलेट रिडक्टेज। अगर आगे इसका मैकेनिज्म है, ये देखिए, डाइट से हमने इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, हमने फॉलेट यहाँ से लेना है। ये फॉलेट जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर से डाइहाइड्रो फॉलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, ऐसी ड्रग्स दे देंगे जो इसको ऐसा होने नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये एडिनिन, गुआनिन, थाइमिडीन ये सब डिक्रीज हो जाएंगे, सेरीन, ये प्रोटीन्स वगैरह भी कम हो जाएंगे। थायमिडीन जो है ये बेसिकली डीएनए की एक सिंथेसिस करता है, ठीक है, सेल को हेल्प आउट करता है, उसकी सेल को जो है उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। फॉलिक एसिड्स अंडरगोज रिडक्शन टू द टेट्राहाइड्रोफॉलेट वाया अ रिएक्शन कैटालेज बाय इंट्रासेलुलर एनएडीपी, जो आपने पढ़ा होगा, एक एनएडीपी प्रोसेस के थ्रू, डिपेंडेंट डायहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज प्रोसेस के थ्रू ये फॉलिक एसिड जो है ये चेंज होगा टेट्राहाइड्रोफॉलेट में, और जो मेथोट्रेक्सेट है ये टेट्राहाइड्रोफॉलेट नहीं होने दे रही। मेथोट्रेक्सेट
methotrexate enters the cell by active transport process, has an unusual strong affinity for dihydrofolate reductase, ये जो enzyme है, and effectively inhibit the enzyme. Like tetrahydrofolate itself, methotrexate polyglutamate also potentially inhibit dihydrofolate reductase. Polyglutamates जो है ये भी inhibit करते हैं dihydrofolate reductase. आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग है जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर रही है टू फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट. तो फिर ये वाली उसमें एग्जांपल्स बहुत सारी दे सकते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि मेथोट्रेक्सेट है जो ये कर रही है, एंटी कैंसर ड्रग है. द इनहिबिशन ऑफ द इनहिबिशन डेप्रीव्स द सेल ऑफ फॉलेट को एंजाइम, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो एंजाइम था वो नहीं अब रहा, and leads to decreased production of compounds that depend on the coenzyme for the biosynthesis. जो वहाँ पर DNA वगैरह बनाएंगे वो compound कम हो गए. इसमें क्या क्या include है, guanine है, thymidine, amino acids, methionine, serine, depletion of thymidine, ये सारे जो है deplete हो गए, कम हो गए, decrease हो गए. This leads to depressed DNA, RNA, protein synthesis. DNA से RNA बन रहा था, RNA से translation हो रही थी और protein synthesis हो रही थी, वो inhibit हो गई. अब resistance body कैसे show करती है, non-proliferating cells are resistant. अब अगर neurons वगैरह हैं, proliferating cells होते हैं, non-proliferating cells होते हैं. Proliferating cells वो होते हैं जो normally हमारी body में डिवाइड करते हैं. न्यूरॉन्स, आरबीसीज जो है ये नॉन प्रोलिफरेटिंग है, ये परमानेंट सेल्स है, ये डिवाइड नहीं करते. नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स आर रेजिस्टेंस टू मेथोट्रेक्सेट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रिलेटिव लैक ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. EDHFR जो है, थायमोडाइलेट सिंथेज, उनके पास ऐसे एंजाइम ही नहीं है जो कि रेप्लीकेशन करें सेल की, तो जो न्यूरॉन्स वगैरह वो रेप्लीकेट नहीं करते. Decreased level of methotrexate polyglutamate has been reported in resistant cells and may be due to decreased formation of or increased breakdown. अच्छा, अब जो ये methotrexate है, ये कुछ जो हमारे सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट है methotrexate के अगेंस्ट. उसकी वजह ये है कि methotrexate जो है वो जो परमानेंट सेल्स में methotrexate इसके लेवल का ये रेजिस्टेंस था, methotrexate जो था उसके अगेंस्ट परमानेंट सेल्स रेजिस्टेंट है क्योंकि उनके पास ये सारे एंजाइम्स नहीं थे. अब जो मेथोट्रेक्सेट है इसके अगेंस्ट कुछ प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं वो भी रेजिस्टेंस शो करते हैं. आप लोग की इतने कम क्यों पार्टिसिपेंट्स हैं आज, कोई वो है वाइव है? मैम पता नहीं, शायद वाइवा की वजह से मिड्स जी. मैम रेडियोलॉजी का वाइवा है बच्चों का, आज वाइवा है. अच्छा, मैं तो आप लोग के अच्छा फिर उन स्टूडेंट्स का उनको मैसेज दे दीजिएगा कि अपने अपने बता दें कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वाइवा की डेट्स अभी नहीं आई, कोई कंफर्म डेट आप लोग की आ गई, आज मैं शेयर कर दूंगी. 16 17 18 है और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन से कैंडिडेट 16 में पीयर होंगे, कौन से 17 और 18 के अलग अलग. तब उन्होंने मैंने मैसेज किया था कि 18 को तो छुट्टी है, उन्होंने कहा था कि उसको हम फिर बाद में देखेंगे, उसको कंपनसेट कर देंगे, या उनका पहले कहीं हो जाएगा या उनका बाद में हो जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली उनका बाद में होगा. फिर एडवर्स आप लोगों ने उसका पता किया, अपने फाइनेंस का कुछ पता चले? रेनल डैमेज करेगा मेथोट्रेक्सेट, हेपेटिक लिवर को इफेक्ट करेगा, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और न्यूरोलॉजिकल सारे इफेक्ट्स हैं. 6-mer captopurine, ये भी इम्यून सप्रेसेंट के तौर पर भी यूज होती है. 6-mer captopurine इज द थायोल एनालॉग ऑफ हाइपोऑक्सेंथीन. 6-mer captopurine एंड 6-thioguanin वर द फर्स्ट प्यूरिन एनालॉग्स. ये एनालॉग्स जो है ये भी प्यूरिन की तरह के हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तरह की मिलता जुलता स्ट्रक्चर है. एंटी ल्यूकेमिक इफेक्ट क्या करता है, मे पेनिट्रेट द टारगेट सेल्स, ये जो 6-mer captopurine है, एंड कन्वर्ट न्यूक्लियोटाइड एनालॉग टू राइबोस फॉस्फेट. 6-mer captopurine राइबोस फॉस्फेट में चेंज हो जाता है. असल में होता ये है कि हमारे सेल्स के अंदर
एक मैट्रिक्स मिटालो प्रोटीनेस एंजाइम है, वो क्या करता है कि सेल जो होंगे उनके लिए हेल्प आउट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है सेल के लिए, उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह ज्यादा करता है। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे कि वो मैट्रिक्स मिटालो प्रोटीनेस ना बन सके, क्योंकि आपको पता है कि अगर कैंसर का सेल है तो कैंसर के लिए एंजियोजेनेसिस बहुत फायदा मंद है। मतलब ये कि कैंसर बहुत खुश होगा कि एंजियोजेनेसिस हो रही है, यानी वहाँ ब्लड वेसल्स बन रही है। अगर कोई लंप बन गया कैंसर का और क्या हो रहा है, वहां पर एंजियोजेनेसिस हो रही है, ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपर मिल रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रही है, तो वो क्या करेगा, ग्रो ज्यादा कर देगा। इसलिए हम एक उसके लिए हम यूज कर रहे हैं टिश्यू इनहिबिटर, ये TIMP लिखा हुआ है, टिश्यू इनहिबिटर मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस, जो इनहिबिट कर रहा है मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस को। मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस जो है वो हेल्प कर रहा था एंजियोजेनेसिस में, न्यूट्रिशन में सेल्स की। तो अब ये मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस बनने नहीं दे रहा टिश्यू इनहिबिटर मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस जो है, ये TIMP जो है, ताकि कैंसर को रोक सके। इनकॉर्पोरेशन इनटू न्यूक्लिक एसिड TIMP जो है टिश्यू इनहिबिटर मिटाइलो प्रोटीनेस इज कन्वर्टेड टू थायोग्वानिन मोनोफॉस्फेट TGMP विच आफ्टर फॉस्फोरिलेशन टू डाई एंड ट्राई फॉस्फेट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द RNA। बेसिकली ड्रग जो है वो रोक रही है सिंथेसिस को DNA की और RNA। द डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग्स दैट आर ऑल्सो फॉर्म आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू DNA रिजल्ट इन नॉन फंक्शनल RNA-DNA। ये RNA को भी इफेक्ट कर रही है और DNA को भी इफेक्ट कर रही है। टिश्यू इनहिबिटर मैट्रिक्स प्रोटीनेस को प्रोड्यूस कर रही है ताकि मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस को वो इनहिबिट कर दे। ये इसका सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी नेगेटिव नेगेटिव जो है ये बताया हुआ है कि 6 mark captopurine देंगे तो वो एक कंपाउंड बना लेगी और बेसिकली वो DNA और RNA की सिंथेसिस को रोक रही है। और कैसे रोक रही है, मैट्रिक्स मिटाइलो प्रोटीनेस को एंजाइम को रोक रही है ताकि वहां पर एंजियोजेनेसिस ना हो। आपको पता होना चाहिए वाइवा के लिहाज से या किसी भी MCQ के कि एंजियोजेनेसिस जो है जितनी ज्यादा ग्रोथ किसी सेल की होती है तो एंजियोजेनेसिस नॉर्मल सेल से अच्छा होता है कि भाई उसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रही है, लेकिन ट्यूमर सेल्स के लिए एंजियोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ऑन देयर साइटोटॉक्सिक एक्शन प्राइमरी टू देयर इंट्रैक्शन विद DNA। ये DNA के जो स्टैंड है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी हम पेशेंट को देंगे तो वो DNA के स्टैंड में क्या करेगी, डिसरप्शन करेगी DNA के फंक्शन को, कि उस DNA की वजह से DNA की आप जो ये पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस सारा न्यूक्लियोटाइड्स DNA सिंथेसिस DNA रेप्लिकेशन सेल रेप्लिकेट इस वजह से हो रहा है, डबलिंग ऑफ DNA होती है, तो इसको बस इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं जो कि DNA के जो स्टैंड होते हैं उनके अंदर ब्रेक करते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 and 2 ये ब्रेक करके फिर उसके अंदर जो अपनी मर्जी की चेंजेस कर देते हैं, तो ये टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट कर रहा है। एंड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन देयर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, देयर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। एक्टिनोमाइसिन डी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की गई, इसको यूज करते या तो सर्जरी के बाद या फिर विनक्रिस्टीन जो पहले लेक्चर्स में आपने पढ़ी है ड्रग इंट्रैक्शन में नाम भी इसका, ये ट्रीटमेंट करती है दोनों ड्रग्स डेक्टोमाइसिन और विनक्रिस्टीन। विल्म्स ट्यूमर जो है अनकॉमन ट्यूमर है और ये बच्चों की किडनीज में होते हैं, अगर 10 में से जो 9 है वो बच जाते हैं इस ट्यूमर से। और दूसरा क्या है कि इसको मेथोट्रेक्सेट के साथ भी देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड के बाद जो ट्यूमर राइज हो सकता है वो जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा है। मैकेनिज्म क्या है इसका डेक्टोमाइसिन का, कि ये भी ग्वानिन साइटोसिन आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जैसे बाइंड होते हैं ATGC एट GC यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या था ए फॉर एडेनिन जो है वो बाइंड करेगा थायमिडीन के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा,
तो ये ग्वानिन साइटोसिन पेयर ऑफ डीएनए परफेक्ट करेगा, एक स्टेबल डेक्टिनोमाइसिन डीएनए कॉम्प्लेक्स बना देगा। अच्छा, उसके बाद जो डीएनए इंटरफेयर कर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था, जो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेगा, उसको अफेक्ट करेगा और डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने दे रहा। द ड्रग आल्सो कॉजेस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स पॉसिबली ड्यू टू एक्शन ऑन टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज 2 था कि जो ब्रेक कर रहा था उसको डीएनए को और अपनी मर्जी से चेंजेस कर रहा था और वहां पर फ्री रेडिकल्स बना रहा था। तो ये उसको द ड्रग आल्सो कॉज सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स पॉसिबल ड्यू टू एक्शन ऑन टोपोआइसोमेरेज, ये एक्शन करेगा इस टोपोआइसोमेरेज एंजाइम पर। Resistance is due to an increased efflux of the antibiotic from the cell via P glycoprotein DNA repair may also play a role. अब ये रेजिस्टेंस वही याद रखें कि ये P glycoprotein के थ्रू जो इफ्लक्स कर रही है, ड्रग को निकाल रहा है ट्यूमर सेल ताकि यहाँ पर ट्यूमर ग्रो करे। Bleomycin जो है इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉपर चिलेटिंग ग्लाइको peptides that like an anthracycline antibiotics cause scission of DNA by an oxidation. सब DNA को affect करेंगी और ज्यादातर ये G2 phase को affect करती हैं, जहाँ पर cell अपने आप को तैयार कर रहा है synthesis division के लिए। It is primarily employed in the treatment of testicular cancers in combination with vinblastine or atopocide दोनों drugs हैं, इनके साथ कम्बिनेशन में देंगे टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर। ब्लियोमाइसिन का इफेक्ट ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है डीएनए, ब्लियोमाइसिन फेरस कॉम्प्लेक्स अपीयर्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स, ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स लिबरेट होंगे। अटैक द phosphodiester bonds of DNA resulting in strand break and chromosomal aberrations, changes in the chromosome mein changes aa jayenge. ye bataya hua ye ferrous tha banayega, jab hum ye drug denge to DNA bleomycin ferrous se ferric ban jayega, oxygen aa jayegi isme, electron jo hai wo nikle hain to 2 se 3 ho jayega plus, सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स बनाएगा, स्ट्रैंड्स के अंदर ब्रेक डाउन आ जाएगी। एल्काइलेटिंग एजेंट्स ये है मैक्लोरेथामीन। मैक्लोरेथामीन इज ट्रांसपोर्टर इनटू द सेल वेयर द ड्रग फॉर्म्स अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट अल्काइलेट्स N7 नाइट्रोजन ऑफ अ ग्वानिन रेसिड्यू इन वन और बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली सारे डीएनए जब रेप्लिकेशन हो रही है तो ये क्या कर रहे हैं, ये डीएनए को ब्रेक कर रहे हैं ताकि वो रेप्लिकेशन से हट जाए, डीएनए रेप्लिकेट ही ना कर सके। तो ये क्या है, ये भी डीएनए के ऊपर अफेक्ट कर रही है, उसकी चेन के ऊपर अफेक्ट करेगी, डीएनए स्टैंड ब्रेकेज करेगी। अल्काइलेशन कैन आल्सो कॉज मिसकोडिंग म्यूटेशंस ऑल्दो अल्काइलेशन कैन ऑफर इन बोथ साइक्लिंग एंड रेस्टिंग स्टेज। इसका इफेक्ट दोनों पर, जब वो रेस्टिंग स्टेज में होगा सेल तब भी इफेक्ट कर देगी और जब वो इन प्रोसेस होगा, जब डिविजन होने वाली होगी तब भी इफेक्ट करेगी। रेजिस्टेंस कैसे होगी, रेजिस्टेंस हैज बीन एस्क्राइब्ड टू डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग, इंक्रीज कॉन्जुगेशन विद थायोल सच एज ग्लूटाथायोन एंड पॉसिबल इंक्रीज डीएनए रिपेयर। रेजिस्टेंस कैसे होगी कि जहाँ ब्रेकेज आ गया वो जल्दी जल्दी म्यूटेट जीन्स चेंज होंगी और अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेंगी और जब वो कोशिश करेंगी तो रेप्लिकेट हो जाएगा सेल, डिवाइड हो जाएगा सेल और इस तरह वो अपनी रेजिस्टेंस शो कर देगा कि हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, वो ड्रग भी दे रहे हैं लेकिन वो ब्लियोमाइसिन ड्रग भी दे रहे हैं और वो फिर भी जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अल्काइलेटिंग ड्रग्स दे रहे हैं तब रेजिस्टेंस शो हो रही है। ये सारी बेसिकली डीएनए ब्रेक को कोशिश करिए कि डीएनए जो है वो अपने आप को तैयार ना करे सेल्स के वो रेप्लिकेट हो। माइक्रोट्यूबुल्स इनहिबिटर, मैं आपको पता है माइक्रोट्यूबुल्स जब बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है और मेटा फेज होता है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, तो मेटा फेज में वो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो माइक्रोट्यूबुल इन इनहिबिटर्स हैं।
vincristine and vinblastine are structural related compound derived from the periwinkle plant. Pivotal mechanism of action बस इसका देखने कि M phase जो है उसके अंदर ये effect करती है. आपको ये पता होना चाहिए कि mitosis in metaphase जो होती है, जब mitosis हो रही होती है, आपने पढ़े ना उसके phases होते हैं, prophase, metaphase, anaphase, telophase. तो metaphase के अंदर जो है वो cell जब poles पर पहुंच जाते हैं nucleus और spindles बन जाते हैं, तो उस phase में ये रोक रहा होता है. Their binding to the microtubule protein tubulin is GTP dependent and block the ability of tubulin. Tubulins जो होते हैं microtubules में, उनको polymerize नहीं होने दे रही, microtubules form नहीं होने दे रही. ये इसकी एक तस्वीर दिखाई गई, यहाँ पर ये देखें, ये metaphase है, metaphase ये anaphase जब ends पर चला गया तो anaphase, यहाँ ये inhibit कर रही है. Tubulin molecules क्योंकि वहां पर इंफ्लेमेशन भी होगी तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जिनका कॉर्टिसोल इफेक्ट ज्यादा होगा, और ये ट्रीटमेंट करेंगे लिम्फोमास वगैरह की. और इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म है, inactivated must first be reduced to prednisone, जो denisolone में चेंज होगा और फिर वो एक्ट करेगा, और ये इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड. जो ऐसे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, ऐसे रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगे prednisolone के सेल की डिवीजन हो, उसकी रेप्लिकेशन हो, ठीक है, वो रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहे हैं. बाज अवकात जिन रिसेप्टर पर जाकर इस ड्रग ने बाइंड करना होता है वो अपने अंदर म्यूटेशन लाते हैं, चेंजेस करते हैं, और वो बाइंड ही नहीं हो सकती ड्रग जो है जाकर रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो प्रमोट होता है. हाउएवर इन सम रेजिस्टेंस सेल्स अ रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑल्दो स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अपेरेंटली अफेक्टेड. सम हाउ बन जाता है कहीं कहीं जाकर कॉम्प्लेक्स पेरिडेनिसोलोन और जो रिसेप्टर है उसका, लेकिन बेसिकली रेजिस्टेंस कैसे शो करती है, रेजिस्टेंस शो करती है कि वो जाकर प्रीडेनिसोलोन पर बाइंड नहीं होने देगी अपने रिसेप्टर के साथ. अच्छा, आखिरी ड्रग ये है टैमोक्सिफेन. टैमोक्सिफेन जो ड्रग है ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है. ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजेंस लेवल ज्यादा हो जाते हैं. कैंसर की बहुत बड़ी जो है बहुत सारी मल्टीपल वजह हो सकती है, वायरल कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा आता है. जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर उसमें होता है, और यूजुअली ये जेनेटिकली भी चला आ रहा होता है. तो टैमोक्सिफेन जो है, टैमोक्सिफेन ये ड्रग हम देंगे जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है. यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जीन्स होती हैं, BRCA1 BRCA2 दो जीन्स हैं, BRCA1 और 2, ये ब्रेस्ट के कैंसर करती हैं, और यही जो है ओवेरियन कैंसर करती हैं फीमेल्स के अंदर. बाजू का देखा गया कि ओवेरियन कैंसर था जो ब्रेस्ट तक चला गया. अब ये जो टैमोक्सिफेन है ये क्या करती है कि जो एस्ट्रोजेंस होते हैं हार्मोन वो जाकर बाइंड करते हैं और प्रमोट करते हैं उस रिसेप्टर के ऊपर जाके, BRCA1 BRCA2 जीन्स जिनमें ज्यादा होती है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं, प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को. तो टैमोक्सिफेन जो है वो एस्ट्रोजन को बाइंड नहीं होने देती, खुद जाकर बाइंड हो जाती है ताकि एस्ट्रोजन जो है वो बाइंड ना हो सके, और जो है वो ब्लॉक कर देती है, प्रमोट नहीं करती, ग्रोथ नहीं होने देती कैंसर की. बस इसमें आपने ये याद रखना है. किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम आपने स्टार्टिंग में वाइवा से रिलेटेड क्या बताया था, मैंने लेट ज्वाइन किया था, प्लीज एक दफा रिपीट कर दें. वाइवा से रिलेटेड मैंने कहा था वेडनेसडे को आपको एक लेक्चर दे देंगे, ठीक है, उसमें बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैंने ज्यादा जो एम्फसाइज करना है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस बस. और मेरे ख्याल में कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो जाहिर है, जो एडवर्स इफेक्ट अगर जैसे कोई पेशेंट है वो प्रेगनेंसी में ज्यादातर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती है. मेरे हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है जो जरा सेफ होता है जिसमें आप ड्रग दे सकते हैं. फिर जो फीमेल होती है उसकी प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड तीन ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तो सेकेंड सेफ होता है.
तो उसमें ड्रग्स जो है वो दे लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। टेट्रासाइक्लिन बच्चों में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? प्रेगनेंसी वगैरह में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है वो डिसकलरेशन ऑफ टीथ कर रही होती है, दांतों की डिस्कलरेशन कर देती है, उसके अलावा फोटोटॉक्सिसिटी कर देती है पेशेंट के अंदर। प्रेगनेंसी में ये दांत बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह सारी चीजें डेवलप हो रही होती है ना, इस तरह हमारे अंदर जो रूट बर्ड्स वगैरह की भी जो है स्टेजेस होती हैं टूथ डेवलपमेंट की, तो टेट्रासाइक्लिन उसको अफेक्ट करती है प्रेगनेंसी में, जब बच्चा यूट्रस में यूट्राइन लाइफ जो होती है उसकी। मैम हमारा जो सिलेबस है, आपने कहा था कि आज आप कंफर्म करके बताएंगी सिलेबस, तो वो बता दें। आपका सिलेबस था कीमोथेरेपी आएगी प्लस ड्रग इंट्रैक्शन वाला, यानी 15 का बी पार्ट, जो आपका लेक्चर अपलोड किया ना मैंने, वो 15 का वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग और एंटीबायोटिक्स दोनों एक दिन थोड़ी शुरू की थी पढ़ी थी, तो एंटीबायोटिक के इंट्रोडक्शन से लेकर आपका ड्रग इंट्रैक्शन तक आएगा। इंट्रोडक्शन में ऐसा खास कुछ नहीं है, लेकिन आगे जो है वो आप सारी स्लाइड्स अच्छी तरह पढ़िएगा। मैंने कोशिश ये की थी कि आपको स्लाइड्स जो है वो इस तरह बना दी जाए ताकि आप बुक तो फिर नहीं यूज करते, तो कम से कम स्लाइड्स में कुछ समझ आए, उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर दी थी। रेजिस्टेंस जितनी भी ड्रग शो करती है ना, वो इसलिए शो करती है कि एफ्लेक्स पंप बन जाते हैं, बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसे पंप बना लेता है कि ड्रग को बाहर फेंक देता है, तो ड्रग अपना एक्शन ही नहीं कर सकती। जिस तरह ये अभी आपने पढ़ी है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ड्रग को बाहर एलिमिनेट कर देती हैं बॉडी से, उसको यूज ज्यादा एक्शन नहीं करने दे रही अपना, यही बैक्टीरिया में। मैम हमें ना लेक्चर नंबर भी बता दें। लेक्चर नंबर 15B से लेक्चर नंबर 20, आप ये जो LMS पर है दोबारा पोस्ट करूंगी, मैंने लेक्चर 19 तक लिखा हुआ है, लेकिन 20 को आप शामिल कर लें, इतना टाइम नहीं रहा आपके पास, पता नहीं अभी 12 को मीटिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि फाइनल्स कब है। आ चुकी है आपकी 16, 17 और 18 है, आज मैं शेयर कर दूंगी। ओके मैम, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम वेडनेसडे क्लास होगी जी, वेडनेसडे को बस एक थोड़ी सी क्लास होगी, बेशक आप अगर टाइम हो तो शाम को या 5 o'clock या 11 o'clock वाले स्टूडेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर लें और एक क्लास रख लें मुदैस के दोस्त में, बस आपको बता दूंगी कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्योंकि सेक्शन ए ने मुझे कहा था कि जी हमारी ऐसे क्लास कंडक्ट करें, तो इसलिए मैंने फिर आपको भी सोच लिया, वरना एज सच कुछ नहीं है कि दोस्त तो खत्म हो गया है। अगर आप लोग दोनों कंबाइन करके एक टाइम बता दें, बेशक क्लास का टाइम ना हो, जब भी सारे ग्रुप फारी होते हैं तब रखूंगी वो क्लास, अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, वरना साथ ही साथ मैं बताती भी रही हूँ। बस मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स की रेजिस्टेंस एक तरह की होती है, इफ्लक्स पंप्स होते हैं जिनके थ्रू वो ड्रग बाहर चली जाती है मेम्ब्रेन के ऊपर, और बाकी ये कि यूजेस एडवर्स इफेक्ट्स ये ज्यादा पता होना चाहिए। ये जो बरका जीन होती है ना, इसके लेवल्स देखे जा सकते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स, हार्मोन्स लेवल्स, तो फिर हमें पता चल जाता है कि जेनेटिकली एक एक्ट्रेस थी, अगर आप लोगों को पता है रॉबर्ट जूलियट, उसने ये टेस्ट, क्योंकि उसकी वालदा को था ब्रेस्ट कैंसर, तो उसने अपना पहले ही देख लिया जीन्स, जब चेक करवाया अपने हार्मोन्स वगैरह, तो उसको पता चला कि उसके अंदर भी ये जीन टेंडेंसी ज़्यादा है, कि ये बरका जीन उसके अंदर भी होगी जो कि कैंसर करती है ब्रेस्ट और ओवेरियन, तो उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट पहले ही रिमूव करवा ली थी। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक दफा रिपीट कर दे जो आपने बताया, अभी क्या क्या आना चाहिए? क्या क्या आना चाहिए? बस चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो रेजिस्टेंस कैसे बैक्टीरिया शो करता है अगेंस्ट ड्रग, ठीक है, जैसा लैक्टम रिंग था ना पेंसिलिन के ऊपर, तो बैक्टीरिया करता है लैक्टमेज बना देता है एंजाइम्स, और लैक्टम रिंग को बाइंड नहीं होने देता वहां पर अपने साथ,
तो इस तरह जो है रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स और मैकेनिज्म क्या है उसका, छोड़ बस चार चीजें हमको पता होनी चाहिए। यही चीजें हैं आपके उसके अंदर जो आपका जो ड्रग दी हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। थैंक यू जी। चलिए थैंक यू। वेडनेसडे को आप लोग डिसाइड करके बता लें कि अगर क्लास की जरूरत है तो लेक्चर की तो किस वक्त रखना है, अगर नहीं जरूरत तो कोई इशू नहीं, पहले मुझे बता दीजिएगा मंडे तक, ठीक है? अगर आप लोग को लग रहा है कि होनी चाहिए क्लास और मैं सारे पिछले रिपीट करूँ थोड़ा थोड़ा बताऊँ, तो फिर आप रख लें, वरना जरूरत कोई नहीं। आप रिकॉर्डिंग्स और ये सुन लीजिएगा।